चीन के वीटो के चलते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव पास नहीं हो सका। भारत ने कहा चीन के रवैये से निराशा, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कोशिशें जारी रहेंगी। अमेरिका बोला आतंक के खिलाफ और भी ज्यादा सख्त कदम उठाएंगे। यूएनएससी में चीन के अड़ंगे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। ट्वीट कर कहा कमजोर प्रधानमंत्री मोदी आतंकी मसूद का बचाव करने वाले चीन से डर गए, पीएम ने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा। राहुल के ट्वीट पर सरकार ने कहा विदेश नीति ट्विटर से नहीं चलती। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर फिर हमला। ट्वीट कर कहा देश को प्रचार मंत्री नहीं नया प्रधानमंत्री चाहिए। नौकरियों में महिला आरक्षण पर राहुल गांधी ने केरल के थ्रिसूर में कहा सत्ता में आए तो महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की 21 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। नाना पटोले को नागपुर, राज बब्बर को मुरादाबाद, सावित्री फूले को बहराइच से टिकट। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर हमला। कहा पाकिस्तान में आतंकी संगठनों पर कोई रोक नहीं, यहां खुलेआम घूम रहे हैं आतंकवादी। और पांचवें वनडे में भारत को 35 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से सीरीज जीती। कोहली की कप्तानी में भारत घरेलू मैदान पर पहली सीरीज हारा।